भारतीय संविधान के 70 साल पूरे होने पर मेरे सारे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 70 साल पूरे होने पर मैं भारतीय संविधान की सुंदरता, उसकी विशेषताएं पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। जैसे हम सभी को पता है, भारत के स्वतंत्र हुए 75 साल होने को है। भारत जैसे ही स्वाधीन हो रहा था, जैसे ही स्वतंत्र हो रहा था, उसके लिए ज़रूरी था कि उसके लोगों द्वारा तैयार करदा अपना संविधान हो। इस मकसद के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने संविधान तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सुझाव दिया और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पारित भी, मंजूर भी हुआ और इसके मेंबर्स चुने गए जिनकी जिम्मेदारी संविधान को तैयार करना थी। अब हमें ये देखना है कि जो संविधान तैयार हुआ, इस संविधान को तैयार करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। हम आसानी से कह देते हैं कि संविधान तैयार करना और जिन लोगों ने तैयार किया है, ये बहुत ही आसान काम और आसान काम है, पर ये नहीं। जैसे ही हमारा संविधान जब से तैयार होने लगा था, उसी वक्त से बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चैलेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने थी। मैं कई का की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। सबसे पहला चैलेंज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई और उसके लिए इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हुआ, पर जिस दिन पहली सदन, पहली सभा हुई, पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सिर्फ और सिर्फ 211 सदस्य उपस्थित हुए। इसका मतलब 45% सदस्य उपस्थित नहीं थे। उनमें से मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया और प्रिंसली स्टेट्स के सदस्यों ने और भी दूसरे लोगों ने 176 सदस्यों ने बायकॉट किया। तो ये उत्साह भरा कि संविधान हम तैयार करने जा रहे हैं, वैसे समय में उत्साह लेकर जब जमा हुए, जब पहला सभा शुरू होता है, उस वक्त आधे के करीब लोग उपस्थित नहीं होते हैं और लोग बायकॉट कर देते हैं। तो ये पहला चैलेंज उनके सामने ये था कि हम ऐसा संविधान तैयार करने के लिए जा रहे हैं जहां सब लोग सहमत नहीं हैं। फिर उसके बाद अभी भारत अभी आज़ाद हुआ ही नहीं था। भारत जब आज़ाद होता हुआ के रास्ते पर चल रहा था, अभी 8 महीने बाकी थे भारत को आज़ाद होने में। उस वक्त भारत के पार्टीशन का डिमांड जोरों से चलने लगा और भारत आखिरकार कई महीनों के बाद भारत दो हिस्सों में बट गया। जब भारत दो हिस्सों में बटा, उस टाइम खुरेजियाँ हुई, बहुत कितने लोगों की जानें गईं, कितने लोग इस भारत जो अभी है भारत है यहाँ से उस पाकिस्तान जिसको कहते हैं वहाँ चले गए, वहाँ के कितने लोग यहाँ आए, कितनी जानें गईं, कितने परिवार बिखर गए, कितनी दौलतें चली गईं और इधर लोगों में डर, लोगों में भय, लोगों में आतंक का माहौल पैदा हो गया और आखिरकार ये पार्टीशन, ये विभाजन रुक नहीं पाया। विभाजन भारत दो हिस्सों में, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के शुभ अवसर पर जब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य जमा हुए और सेलिब्रेशन का माहौल था, लेकिन उनके चेहरे पर दुख के आसार झलक रहे थे। वजह थी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान बनाएं, पर हमारी उम्मीदें बेकार होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये मुल्क दो हिस्सों में बढ़ चुका है और ये किसी तरह से बस अपने काम में लगे ही थे और सिर्फ 5.5 महीने ही हुए थे कि भारत के महामहिम महात्मा गांधी, जो भारत को आज़ाद करने में सब कुछ लुटा दिया, जिसने जिसकी कुर्बानियां हम गिना नहीं सकते, हमारे लिए आसान नहीं है उनकी कुर्बानियां गिनाना, उनकी हत्या कर दी गई। इससे दर्दनाक
और इससे खतरनाक घटना हो ही नहीं सकती। इस उनकी हत्या के बाद इनमें मायूसी सी छा गई। काउंसिल सदस्य मायूस हो गए। उनका मानना था कि जो शख्स हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अगर वही हमारे बीच नहीं है तो हम कैसे और किसके लिए और किस बेस पर, किस बुनियाद पर ये संविधान तैयार करें, तो उनके लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज ये था कि आज तक यानी 1947 से पहले भारत में ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे लोगों को पर अत्याचार किए गए, उनको उनके अधिकार से वंचित किए गए, जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या अदर दूसरे नामों से जानते हैं। उन्हें भी बड़ी उम्मीद थी और उनको आशंका भी थी कि जो ये संविधान बनता दिख रहा है और जो भारत आज़ाद हो चुका है, हमें उसमें समान के अधिकार, बराबरी के अधिकार मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे। ऐसे वक्त में उनकी आशाओं को, उनके आशाओं को पूरी करना और महिलाएं जो जिनकी भी पूरे सामान्य मर्यादा नहीं हुआ करती थी समाज में, उनको छोटी निगाह से, उनको बुरी निगाह से लोग देखते रहते थे, देखा करते थे। ऐसे वक्त में महिलाओं को भी बड़ी आशा थी। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम्स, जो साढ़े तीन करोड़ मुस्लिम जो पाकिस्तान को नकारते हुए हिंदुस्तान को अपने मातृवतन, अपने मातृभूमि मानकर इसी को यहाँ रहने को, अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए और यही रहना पसंद किया, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, उनमें भी एक डर था, एक भय था कि क्या हम तो यहाँ रह गए लेकिन यहाँ दूसरे लोगों की, दूसरी कम्युनिटी की मेजोरिटी है, क्या हमें भी पूरे अधिकार मिलेंगे, पूरे सम्मान, उनके बराबर सम्मान मिलेगा। ये चैलेंजेस, ये डर और ये भय था और आशाएं थी। इनके बावजूद, इन सब के अलावा भारत अभी पूरे तरीके से, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो पूरी तरह से भारत में नहीं आए थे। वो भी एक चैलेंज था कि उन सबको, उन प्रिंसली स्टेट्स को, उन एरियाज को भारत के अंतर्गत लाया जाए, भारत के साथ उनको जोड़ दिया जाए। तो उनको कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस और उनके सामने बहुत सारी असुविधाएं थी। इन असुविधाओं को सामने रखते हुए संविधान को तैयार करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की और उनको ये संविधान तैयार करने में तकरीबन तीन साल लग गए, जिसको हम अगर कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन, हमें उसे अगर 3 साल लग गए, about 3 years। तो इन 3 सालों में हमारे जब बहुत सारे लोग संविधान के पर आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि संविधान को तैयार करने में क्यों 3 साल लग गए, मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे संविधान या हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों से लेकर या प्रभावित होकर बनाया गया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संविधान और जो सबसे पावरफुल नेशन और सक्सेसफुल नेशन आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो जब उसका संविधान बना तो उसका संविधान आज से 230 साल पहले उसका संविधान बना है। 230 साल पहले उसका संविधान बना, उस वक्त उस देश की जनसंख्या 35 लाख थी सिर्फ। और हमारा जब संविधान बना, जब हमारा भारतीय संविधान बना, उस वक्त भारत की आबादी 35 करोड़ थी। तो ये अंतर है, बहुत सारा अंतर है। और उनके इसलिए उन्होंने 7 आर्टिकल्स उसमें से उनके हो गए और तब भी उनको 11 महीने लगे थे संविधान तैयार करने में। तो हमें अगर 3 साल लगे इतने बड़े देश में इतने समस्याओं को सामने रखते हुए, अगर हमारे संविधान को तैयार होने में 3 साल लगे तो कुछ भी समय नहीं लगा है। और प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पारित हो गया तो फिर 2 महीने इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे दोस्तों, हर चीज़ का एक समय लगता है। पूरा एक देश, इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, इसके लिए एक संविधान तैयार होके उसे कार्यकारी बनाने में, कम फोर्स में लाने के लिए समय लगता है। जैसे हमारे उदाहरण CAA जो अभी चल रहा है, उसे एक छोटा सा एक्ट है लेकिन उसे लाने में, पारित होने के बाद 1 महीने के बाद वो
एक्शन में आया। तो पूरा संविधान अगर 2 महीने के बाद आया तो वो भी ज्यादा कुछ भी समय का गैप नहीं है। तो ये संविधान जब 26 जनवरी 1950 को हमें मिला और ये एक्शन में आया तो उसकी कुछ झलक, उसकी सुंदरता, संविधान की सुंदरता की कुछ झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, ये संविधान कितना खूबसूरत है उसका अंदाजा हम अगर प्रीएम्बल और संविधान की शुरुआत के शब्द देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारतवासियों को का उसमें को शामिल किया गया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, इसकी सुंदरता की सबसे बड़ी मिसाल तो यही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, क्योंकि इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में कभी सभी लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं थे। धर्म, जात, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को धर्म की आज़ादी होगी, सभी लोगों को स्वतंत्रता हासिल होगी, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा और सभी को एक्सप्रेशन, अपने मन की बात रखने की, अब कहीं भी जाने की, कहीं जमा होने की और भी दूसरे अधिकार सब हासिल हुए। एक व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जितने अधिकार जरूरी थे, मौलिक अधिकार सारे दिए गए। और उसके बस इस पर बस नहीं किया संविधान ने, इसके बाद और भी जो अधिकार एक आदमी के लिए जरूरी है जो उस वक्त संभव नहीं थे, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूप में बहुत सारे अधिकार, वो भी अधिकार दिए गए और डायरेक्ट किया गया स्टेट को और गवर्नमेंट को कि आप समय समय पर जब आपको हो सके आप उन्हें ये अधिकार प्राप्त करो। इसके अलावा जो पहले नाइंसाफी हुई, लोगों पर अत्याचार हुए, उसके लिए करेक्टिव एक्शन और वो मार्जिनलाइज ग्रुप को अपलिफ्टमेंट के लिए उनके लिए कंसेशन देने का प्रावधान रखा गया। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई आदमी किसी वजह से हक नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का प्रावधान रखा गया। उद्देश्य था कि सबको न्याय मिल सके और न्याय तंत्र को आजाद किया गया, एकदम इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वो किसी के प्रभाव से प्रभावित ना हो। इसके अलावा दूसरे कमीशन, दूसरे बॉडीज रखे गए जिसे संविधान ने उनको पूरे पूरे अधिकार दिए, उनको पूरे इंडिपेंडेंट बनाया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम बात करते हैं तो यह कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारत में हर व्यक्ति को एक हक हासिल है, एक अधिकार हासिल है कि वो सरकार का हिस्सा बन सकता है और उसके चांसेस हमेशा रहती हैं कि वो कभी भी सरकार का हिस्सा बने और उसे वोट देने का अधिकार है जो सबसे बड़ा अधिकार माना जा सकता है। राइट टू वोट, अगर हम दूसरे देशों से भारत में राइट टू वोट की तुलना करें, भारत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में जब जैसे ही संविधान 1950 में आया, सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार के भेदभाव ना करते हुए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और अगर हम भारत में 1921 में भारत में वोट हुआ था, इलेक्शन हुए थे, उस टाइम भारत में सिर्फ और सिर्फ 15 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार था। उस टाइम पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1950 में जैसे ही संविधान ने सारे लोगों को वोट का अधिकार दिया तो 1951 में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उस टाइम भारत में वोट दाताओं का अधिकार उसको की संख्या 20 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और हिंदुस्तान सारे विश्व में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। मेरे दोस्तों, अगर हम US में और दूसरे बड़े बड़े उन्नत डेवलप कंट्रीज की बात करें तो हम उदाहरण स्वरूप अमेरिका को लेते हैं, वहाँ महिलाओं को 130 साल के बाद, वहाँ के संविधान मिलने के 130 साल के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन हमारा ये खूबसूरत हिंदुस्तान जहाँ जैसे ही संविधान आया उसी वक्त से सारे महिला हो या कोई भी जात का रखने वाला हो, सबको वोट का अधिकार दिया गया और अभी तक अमेरिका में
कोई भी वहाँ का राष्ट्रपति महिला नहीं बन पाई। हिंदुस्तान में आज़ादी के 17 साल के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक महिला बन गए और 50 साल के बाद एक महिला राष्ट्रपति बन गए। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर एक को समान अधिकार है। और हिंदुस्तान में जितने भी पद हैं, संविधानिक पद हों या दूसरे कोई भी पद हों, सारे पदों के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी में कहीं भी कोई भेदभाव जात के नाम पर, लिंग के नाम पर, कलर के नाम पर, किसी के जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। इससे बड़ी खूबसूरती और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। इस तरह से और भी हमारे संविधान की बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, बहुत सारी विशेषताएँ हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाते हुए आज का यहीं पर मैं समाप्त। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो आई सल्यूट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी काबिलियत पर और उनकी पैट्रियटिज्म पर मैं सलाम करता हूँ। और भारत के संविधान की 70 साल पूरे होने पर फिर दोबारा मेरे सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और संविधान को एक पॉजिटिव वे में देखने की का अनुरोध करता हूँ। सिर्फ हम क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, आज का दिन, एटलीस्ट आज का दिन जो संविधान 70 साल हो चुके हैं, आज हम पॉजिटिव तरीके से और जिन लोगों ने संविधान को तैयार करने में अपनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं उनको ज़रा याद करें और उनके लिए और संविधान के लिए अपने को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद।